उस पर आज मैं झुकेगा नहीं। Hey, what's up guys? तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी मुझे सुबह के 8:30 और अभी भी उठा हूँ और बाहर का मौसम देख के तो लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। शायद से बाहर बारिश हो रही है। अभी उठ के बाहर चलते हैं और देखते हैं कैसा मौसम हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नैनीताल साइड पता नहीं क्या हो रहा हो आज। छत पे चल के देखते हैं कि कैसा हो रहा है छत पे। तो जैसा मैंने कहा था, सच में बहुत खतरनाक बरसात हो रही है। ओह शिट, मेरा छाता पलट गया। अरे इतनी तेज हवा चलेगी, मेरा छाता पलट गया। ये देखो मेरा छाता ही, तुम्हारा सीधा भी हो गया। तो मम्मी पापा तो है नहीं, तो खुद ही खुद के लिए मस्त गर्मा गर्म इलायची अदरक डाल के चाय बना ली और अभी पीता हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, देखते हैं आज क्या भेजा है। रोटी और कल का चिकन। तो वही मैं घर आ चुका हूँ और टीवी पे एक मस्त सा कार्टून आ रहा है। तो कल रात को मैंने मस्त से एक पनीर का सैलड बनाया था, आपको दिखाता हूँ मैं कितना जबरदस्त पनीर सैलड बनाया था। तो अभी मैं एक खतरनाक चीज ट्राई करने वाला हूँ। पहले तो मैं इसकी जो ग्रेवी है ना, चिकन की ग्रेवी मैं पनीर में डालने वाला हूँ और प्लस मैं साथ में चिकन भी इसमें पीस छाट छाट के चिकन को अलग करके इसके साथ मिक्स करने वाला हूँ और उसके बाद मैं बनाने वाला हूँ अपना पराठा। यार पहले वाला पराठे का शेप थोड़ा बिगड़ गया, बट आई एम श्योर कि नेक्स्ट वाला अच्छा बनेगा। मेरा पराठा बन चुका है और एकदम प्रॉपर शेप में बना है, एकदम देसी घी के साथ, और इसको खाने वाला हूँ। जो मैं चिकन की सब्जी बची हुई है उससे खाने वाला हूँ। तो गाइस अब टेस्ट करके देखता हूँ और बताता हूँ कैसा बना है। सो यार दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है भाई साहब। जो चिकन और पनीर का जो कॉम्बिनेशन का टेस्ट आया ना भाई साहब, एकदम क्रंची, जो ऊपर एक क्रिस्ट एकदम क्रंची हो चुकी है और चिकन का तो भाई क्या ही फ्लेवर आ रहा है भाई साहब। I've been counting down my days to get out. I've been looking for a way from this town. तो शाम को मौसम देख ही सकते हो कितना गंदा मौसम है। चीची कितना गंदा मौसम है। ची अवॉइड माय फेस, मेरी तबीयत खराब है। ये गंदा मौसम है तो बहुत ही गंदा मौसम है। पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। अरे सर वेलकम बैक, कैसी रही आपकी छुट्टियाँ दोस्त? कैसा रहा तेरा? एक दिन कल जिस टाइम हम लोग गए उसी टाइम घर वापस है, ऐसे बता रहे हो कि कितने मतलब हफ्ता हो गया, कितने दिन हो गए हम लोग घर पे नहीं है। ऐसा कैसे बोल देते हो, कल इसी टाइम ही तो गए थे हम लोग। इसी टाइम तुम लोग गए कहाँ थे? तुम लोग ऐसे शाम को निकले पहुंचे थे, मतलब तो निकले पहुंचे थे ना। मेरी गलती थोड़ी कि तुम लोग इस टाइम पे पहुंचे थे। यहाँ मम्मी मेरा कल का ब्लॉग देखते हुए देखो देखो देखो, उसमें तुम भी हो। देखो करने की कोशिश कर रहा है तो क्या करने की कोशिश कर रहा है? थोड़ा ऐसे कर लगा थे। हट जा हट जा मिस्टी बॉय, हट जा। नहीं ये इतना ओफो ना, तू दे दे अपने उसमें से यार। तो जा रहे यार, मैं फिर मल्ले बना के लाऊं यार। ऐसे यार चाय तुम लोग अकेले के लिए ठंड के मौसम में घूम फिर के आके मेरे लिए चाय नहीं बनाया तुम लोगों ने। मैं गुड़ देने ही आता यार, मुझे नहीं बता रहा हूँ यार। उसने तो ऐसे डुबो रहा उंगली उसके अंदर, पीने का मन नहीं कर रहा। हेलो
क्या हो गया दिखा इसके अंदर तेरा बिस्किट फंस गया रहा उसके ऊपर। उसको ऐसे करना, उसको एक दूर तोड़ तोड़ देता उसको उसको तोड़ देता हूँ उसको तोड़ देता हूँ क्रीमी सा हो जाता है यार तू हट जा यार। चाय बना रहे पहले दोस्तों कुत्ते ऐसे क्यों खा रहा है? ऐसे मत खा कुत्ता लग रहा है पूरा। मुझे तो खाना टोमी ठीक है। क्या नहीं खाना क्यों क्या खा क्या तुम लोग सच से बताओ ना। 5 बजे कौन खाना खा के निकले रास्ते में कुछ खाया ना तुम लोगों ने हैं? ये दोस्त की मुस्कान देख के लग रहा तुम लोगों ने कुछ खाया। मछली और वो बड़ा वाला आलू की सब्जी बनाया और कुछ नहीं खाया बस एक वो खाया। राज कचौड़ी तेरा पापा खिला रहा है ना तेरे को राज कचौड़ी साले देखा भी कभी कभी देखा है राज कचौड़ी तूने? कल परसों तुम मिला जी कुछ नहीं। सुनो ठाकुर मैंने बोला कि तुम लोगों को सब्जी फ्रिज में रखा हुआ है और मेरा वो जो कल वाला खाया था तुम लोगों ने वो सीक्रेट मीट तो वो है नहीं रखा खाया तो बचा हुआ है वो तो वो अभी तुम लोग खा लेना और मेरा वाला मिले रख देना ठीक है। एक दिन मान लो क्या एक दिन के लिए मैं तुम्हारे मामा के घर गई मुझे किचन का सामान नहीं मिल रहा ठीक है। अरे दे दादी का मैं एक हफ्ते के लिए जाती तो मुझे तो किचन में से सब सारा सामान ही गया उधर। फिर तुम्हें किचन नहीं मिलेगा किचन झटके पर शिफ्ट हो जाएगा ना चाय बनाने वाला सस्पेंड मिल रहा है ना। अरे ये गर्म पानी करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे मेरी बात मानो दादी तो क्या रख दे तो उठा के पता नहीं तो 2 दिन से किचन की मास्टर शेफ दादी है ना दादी बना रही है। ये तरीका हुआ देखो सुबह ये देखो चाय बनाने वाला इसके अंदर ये देखो किसके अंदर कौन सा चीज घुसा के रख दिया देखो एक भी सामान एक जगह नहीं देखो जग का ढक्कन इधर है। अरे दोस्त दोस्त सच बोल रहा हूँ मेरा काम नहीं है। मम्मी बात तो सुनो इधर आज कहते हैं मेरे वीडियो पे जो आज डाला ना उसमें एक बंदे कमेंट है कि भाई ये तुम्हारी स्टेप मॉम है क्या स्टेप मतलब सौतेली माँ है क्या तुम्हारी उसको लग नहीं रहा होगा तुम मम्मी बोले कि सौतेली मम्मी तो मैंने नहीं नहीं भाई सगी है सगी मम्मी हम लोग के साथ साथ बड़ी हुई तो ये गलत है मत मानना प्लीज गाइस। तो जारवी सर में खाना खाने बैठ गए हैं बत्तख और चिकन दोनों है और उधर पापा सो रखे हैं तो हम लोग चुपचाप खाना खाते हैं। तुम भी ले आओ अपना नमन कह रहा कि मम्मी मेरे को चिकन वगैरह मत देना मेरे हाथ पेट में आग उबल रहा है तो 3 दिन से खा रहा है चिकन बत्तख सब खाया आग उबल रहा है। तुम लोग भी ले आओ ना अपना मुझे नहीं खाना मेरे पेट में आग उबल रहा है 3 दिन से खा रहे हैं। जाओ भाई फोन ले जाओ इसका सारा रात खाली गेम खेलते रहता है फोन ले जाओ इसका। हाँ भाई कैसी रही आ गया स्वाद नमन कैसी रही पापा ने 3 बार का फोन उठाया क्यों नहीं इसने उठाया नहीं गेम खेल रहा था गेम खेल रहा था इसलिए नहीं उठाया गेम ये इसी कमरे में बैठा था ये इसी कमरे में बैठा था ये तू चुप हो जा। हाँ चुप हो जा ये उसी कमरे देख खाना एक रोटी खाते आ गया तो उस कमरे से कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट यार ये डेकोरेशन जब तुम लोग घर पे नहीं थे ना उसी की उसी बीच में किया था मैंने डेकोरेशन मत करना क्या किया मैंने कुछ नहीं छुपा। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस गंदी शक्ल के लिए प्लीज साले अपने आप पे इतना अच्छा चीज क्यों बोलता है खाली मैं।